कुशवाहा के समीप जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ नैनागिरी जैन मंदिर में हुई लाखों की चोरी, जिससे बुंदेलखंड के संपूर्ण जैन समाज में रोष व्याप्त है। ज्ञात हो कि नैनागिरी में प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण मंदिर हजारों वर्ष से स्थित है और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की नजरों में रहता है, किंतु प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि मंदिर के सामने ही पुलिस चौकी होने के बाद भी ताले तोड़कर लाखों की चोरियां हो गईं। इससे प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस चौकी होने के बाद भी क्षेत्र पर गश्त नहीं की जाती। चोरी के बाद कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक चोरी करने वालों का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद आज सैकड़ों युवाओं ने जन जागृति संगठन के नेतृत्व में पुलिस चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में लेख किया गया, अगर 3 दिवस के अंदर चोरों का सुराग नहीं लगाया तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? नैनागिरी तीर्थ क्षेत्र में चोरी के संबंध में ज्ञापन दिया है, बार बार चोरी हो रही है वहाँ पे जी। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या चोरों पर? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कार्रवाई हुई है जी। और हालांकि ऐसा ही जी ने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और 3 दिन के अंदर उसका कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो किस प्रकार की यानी आप लोग आंदोलन करेंगे? धरने की स्थिति है कि भाई धर्म बचाओ की बचाव के लिए धरना सभी युवा इकट्ठा होगा, सभी युवा संगठन सब जगह की जैन समाज इकट्ठे होंगे यहाँ पे। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।